अस्सलामुअलैकुम। तो BSL का आज आगाज़ हुआ है ख्याबान अमीन क्रिकेट ग्राउंड में। इफ्तिताही मैच था साहिर एसोसिएट वर्सेस वेल्थ मैनेजर के दरमियान। तो साहिर एसोसिएट ने पहले बैटिंग की थी, जिसमें शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया इमरान खालिद ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और दो मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL भी खेले। आज 80+ रन किए, तकरीबन इनकी बैटिंग में 10 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। तो उनसे हम बात करेंगे। विकेट कैसा खेल रहा था इमरान भाई, और बीच में 4 खिलाड़ी आपके साथ थे क्योंकि आप ओपनर गए थे, आउट हो गए थे, तो किस तरह से मैनेज किया और विकेट के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए, इसलिए टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग ही की है। बड़ा ज़बरदस्त विकेट था, ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है, क्रिकेट एटमोसफेयर बहुत अच्छा था। विकेट्स गिरती रही हैं, इसलिए थोड़ा सा फिर हम स्लो डाउन हो गया था कि अपनी इनिंग्स को, अपने रनस को जो है ना प्रोलॉन्ग कर सकें। पर टारगेट यही था कि 180+ तकरीबन रन हो तो काफ़ी है। वैसे तो 150 भी काफ़ी था इस टीम के लिए, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 200 के करीब था जो हमने अचीव। इमरान भाई, एक ओवर में आपने 4 बाउंड्रीज की थी और 1 छक्का भी लगाया था, उसके बाद फिर लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गिर गए थे। तो आप सीनियर बैट्समैन थे बिल्कुल, तो दूसरे यंगस्टर आए जो 5वें नंबर पर, 6ठे पर बैटिंग करने आए, उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया था, क्या उनसे कोई बात हुई थी इस हवाले से कि आपने मेरे साथ लंबा खेलना? जी, T20 में आपको पिक करना होता है कि आप किस बॉलर को कितनी बाउंड्रीज मार सकते हो, और जब आप सेट होते हो और विकेट अच्छा खेल रहा होता है तो मेरे ख्याल ये टारगेट करना थोड़ा इजी हो जाता है कि आपको जब पता हो कि अब अपोनेंट के पास कैसी बॉलिंग है, तो इसीलिए उसको टारगेट किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको मार सकता हूँ, 5 से 5-6 बाउंड्री मार सकता हूँ, जो कि मेरे ख्याल है 5 से 6 बाउंड्री उसको लगी हैं। जी, आखिरी क्वेश्चन है, BSL बैट बॉल सुपर लीग, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर से मतलब मुंसलिक है, और बड़ा अच्छा जो है इवेंट ये मतलब लीग ये करवाई गई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप मैनेजमेंट के लिए? देखिए, स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट जो भी करवाए मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट जो है करवाना ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है ये बाबर या जो भी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो यकीनन तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और होपफुली कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जिस तरह मैचेस होंगे और ये टूर्नामेंट इसी तरह सक्सेसफुल रहेगा, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि जिन्होंने ये स्टेप लिया, वो यकीनन तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। आखिरी क्वेश्चन है छोटा सा इमरान भाई, पेज है क्रिकेट जुनून कसूर, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कसूर की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ैन की बदौलत आज हम इतने बड़े इवेंट को जो है मतलब ब्रॉडकास्टिंग हम कर रहे हैं, तो पेज के लिए और हमारे फॉलोवर्स के लिए कोई मैसेज? हाँ, यकीनन एज ए स्पोर्ट्समैन मैं इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं आपके पेज को यूजुअली सोशल मीडिया जो भी यूज़ करता है तो उसको पता है कि आपके पेज का, और जिस तरह आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, जो यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, वो यकीनन काबिले तारीफ़ है। थैंक यू। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि इस तरह के जो काम हमेशा जारी रखें, और अल्लाह आप लोगों को मज़ीद तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और नेक्स्ट मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।